कानपुर बार एसोसिएशन और लायर्स के अधिवक्ताओं ने आज एक ज्ञापन के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पर सवाल है निशान उठाया। अधिवक्ताओं ने 151, 107, 216 और 145 के अंतर्गत आने वाले वादकारियों को समय से न्याय नहीं मिल पाने से नाराज होकर आज कमिश्नर कानपुर से व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। उनके अनुसार कमिश्नरेट व्यवस्था से पहले थाना स्तर पर अधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य रहता था, जिस कारण वादकारियों को भी न्याय मिलना और न्यायिक जानकारियों की समय से जानकारी होती जाती थी। आपको बता दें, लेकिन अब जब से कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई है, तब से पता नहीं लग पाता है कब वादकारियों की शिकायत IGRS से मुख्यमंत्री पोर्टल पर चली जाती है और कब केस अधिकारी से मिलना है, ये भी पता लगाना मुश्किल हो गया है। JCP हरीश चंद्र ने ज्ञापन मिलने की बात बताकर जल्द से जल्द इस पर विचार करने और व्यवस्था को सुधारने की बात कही। देखिए, ये जो ज्ञापन आज हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को और DM महोदय को दिया, ये कमिश्नरेट व्यवस्था में जो कमियां हम लोगों को पाई या जो कमिश्नरेट व्यवस्था में कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे, पुरानी व्यवस्था जो थी SSP वाली उसको लागू करने के संबंध में दिया, क्योंकि कमिश्नरेट व्यवस्था में इतने सारे IPS हैं और एक एक थाने में दो दो दरोगा, तीन तीन चार चार IPS एक एक सर्किल में, उनमें आपस में समन्वय नहीं है। उस समन्वय ना होने की वजह से व्यवस्थाओं में बहुत दिक्कतें आती हैं और छोटी छोटी इसमें न्यायिक आदेश का अवहेलना होती है और न्यायिक आदेश को जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद आम जनमानस में बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, एक ऐसी व्यवस्था हो रही है जिससे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की दिक्कतें जब फेस करनी पड़ रही है अधिवक्ताओं को, आम वादकारियों को, जनता को, कमिश्नरेट लागू होने के बाद अगर कोई भी प्रकरण जाता है वो मुख्यमंत्री पोर्टल के थ्रू जाता है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे उसका निस्तारण होके आम जनमानस को कभी कभी जानकारी नहीं हो पाती। मेरा मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर चला गया, वो जाता है DCP सर्किल के पास, DCP और एडिशनल DCP को देते हैं, एडिशनल DCP ACP को देता है। इतने सारे अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं बन पाता और वादकारी को न्याय नहीं मिल पाता। वो ये समझ ही नहीं पाता कि मुझे किसके पास जाना है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे न्याय दे सकेगा। नहीं, कमीशन पूरे प्रदेश के 6 जनपदों में लागू हुई है, कैसे कानपुर की पूरे प्रदेश की स्थिति है? देखिए, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में क्या स्थिति है इसका तो मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, लेकिन कानपुर में ऐसी स्थिति मुझे जब से हम लोग यहाँ पर हैं कानपुर में, हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था भी देखी, कमिश्नरेट व्यवस्था भी देखी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो लगातार जैसे 107-16 के मामलों में आम वादकारियों को तीन तीन चार चार दिन जेल लेना पड़ रहा है, जबकि प्रशासनिक आदेश है वो है कि 7 साल से कम में सजा नहीं होगी और 107-16 में व्यक्ति तीन तीन दिन की जेल काटता है, जेल प्रशासन की व्यवस्था बिगड़ जाती है, जहाँ जेल की क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं, 10,000 से ज़्यादा कैदी हैं जेल में, उसके बाद 107-16 के हर रोज 100 से 200 कैदी वहाँ पर, इससे जेल व्यवस्था भी बिगड़ती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बिगड़ती है और सामाजिक व्यवस्थाएं भी बिगड़ती हैं। मैं आदित्य कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी कानपुर बार एसोसिएशन। आज मैं और मेरे साथी संस्था के महामंत्री अभिषेक तिवारी जी, हम दोनों संस्थाओं ने मिलकर तय किया कि कमिश्नरेट व्यवस्था में जो आज बार के और लायर्स क्लब के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके द्वारा जो है वो एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ बिंदु उठाए हैं, उन बिंदुओं को जो है वो हम लोग देख रहे हैं, 116 से रिलेटेड, 151 से रिलेटेड, 145 से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ अधिवक्ता बंधुओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के उन्होंने जो है वो अपनी बात कही है। इसमें कुछ पब्लिक के लोगों ने भी अभियोग दर्ज कराए हैं कुछ अधिवक्ताओं के खिलाफ, जिसमें ज़मीन कब्जा करने की बात सामने आई थी, तो उस पर इन्होंने अपने साक्ष्य और अपने पक्ष को रखा है। सभी बिंदुओं को जो है वो पुलिस बहुत ही बारीकी से वो कर रही है और एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, और बार के लोगों को जो है ये आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा भी जो है सहयोग की बात कही गई है। कुल मिलाकर के जो है वो जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं इनके द्वारा वो सभी जो है वो हमारे द्वारा संज्ञानित हुए। क्या आपको नहीं लगता कि जो कमीशन लागू हुई है लोगों की समस्याएं जो एक स्तर दो स्तर सुन ली जाती है,
दस तक सुनी जाती है, लोग परेशान होते हैं, दूर दूर जाते हैं, एक ऑडिट करने की जरूरत नहीं, कमीशन लागू, उनमें कितने लोगों की समस्या सुनी, कितना हल निकला, कितने लोगों की बात सही की, उनको हल समस्या हल निकला। देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा अच्छा होता है, यही सोच करके इस व्यवस्था को लागू किया गया था और बहुत ही सक्सेसफुली ये व्यवस्था काम कर रही है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खुद फील्ड में रहते हैं, डीसीपी रैंक के ऑफिसर जो है वो यहाँ पे जोन में चार हैं और सभी लोग अपने अपने फील्ड में हैं, सभी समस्याओं को सुनते भी हैं। कमियाँ कहीं यदि हैं, किसी के द्वारा कोई पॉइंट उठाया गया है तो उसका समाधान और उसका जो है विचार किया जाएगा। कई बार जो है व्यक्तिगत विद्वेष और बाकी चीज़ों से भी जो है चीज़ों को उठाया जाता है, तो वो सभी चीज़ें जो है वो संज्ञान में हैं और जो पब्लिक के ग्रीवेंस के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वेज हैं उनका जो हम लोग अनुपालन कराएंगे।